अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि कोई भी आपको साइक्लिक ग्रुप अगर गिवन होता है तो आप उसको ट्रिक के साथ कैसे उसके जनरेटर्स को फाइंड करेंगे। तो इसमें हम फिनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए अलग से जनरेटर फाइंड करना सीखेंगे और इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए अलग से देखेंगे। इनफैक्ट देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि जनरेटर क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, बट आज हम ऐसा एमसीक्यूज़ देखेंगे कि ऐसा एमसीक्यूज़ हम इसको ट्रिक के साथ कैसे सोल्व करेंगे विद इन 2 सेकेंड या 5 या 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप अपना उसमें से आंसर कैसे मैच करते हैं, कुछ थेरम्स अप्लाई करके इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फिनाइट साइक्लिक सब ग्रुप। अच्छा, तो अब इसमें देखें, सबसे पहले आपको ये पता है कि जनरेटर किसी भी साइक्लिक ग्रुप में हम क्या होता है। देखिए, जनरेटर वो एक एलिमेंट होता है जिससे वो ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ ए मेरा ग्रुप का जनरेटर है, तो हमेशा ए उस जी ग्रुप के अंदर लाजमी होना चाहिए। उस ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट ये होता है जिससे हम पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट कर पाते हैं। अब ये भी हमने देखा था कि अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर्स लेते जाते हैं जिससे हमारा होल ग्रुप जनरेट हो जाता है। अगर हमारा ग्रुप अंडर एडिशन है तो हम उसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं, तो हमारा जो ग्रुप है बेसिकली वो हमें मिल जाता है। अच्छा, अब देखिए, इसको सबसे पहले हम फिनाइट साइक्लिक ग्रुप्स देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर मैं स्पेसिफिक यहाँ पे बात करूँ सेट ऑफ इंटीजर्स की, सेट ऑफ इंटीजर जी की बात करूँ, अंडर मॉडुला एन की बात करूँ, तो इसमें तो बड़ा ही आसानी से आप इसके जनरेटर्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कि मैंने आपको प्रीवियस भी ये करवाया हुआ है कि इसके जनरेटर जो होते हैं हमेशा, फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल यहाँ से ले लूँ जी फोर की, तो अगर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है इसका सेम रूल होगा। इसके अंदर एलिमेंट्स हमें पता है 0, 1, 2 एंड 3, ये नंबर्स आते हैं। तो इस तरह के सेट्स के अंदर अंडर जी इंटीजर्स जो है, अंडर मॉडुलो एन, अगर आपको अंडर मॉडुलो जैसे यहाँ 4 गिवन है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ऐसे एलिमेंट्स लेने होते हैं जो इस 4 के साथ को प्राइम होते हैं, मीन्स के जिसका जीसीडी 1 आ जाए। तो देखें, 4 जो है वो को प्राइम है 1 के साथ, देन हमारे पास जीसीडी, क्योंकि इसका 1 आ रहा है। अगर मैं 4 का 2 के साथ देखूं जीसीडी 1 आ रहा है, तो ये हमारा जनरेटर नहीं होगा। सेम 4 का 3 से करें तो हमारा जो जीसीडी आता है वो 1 आता है, मीन इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अब देखें इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो 1 है वो इस ग्रुप को जनरेट कर रहा है, और जो जनरेट करेगा, और जो ये 3 है ये भी जनरेट करेगा। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही ईजीली 2 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं, 4 के साथ 1 को प्राइम है और 4 के साथ 3 को प्राइम है, तो आसानी से आप कह सकते हैं ये 2 जो हैं हमारे इस Z4 के जनरेटर हैं। अब देखिए, ये भी प्रीवियस हमने देखा था कि किसी भी फिनाइट साइक्लिक ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 आ गए हैं, बट ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम दोनों को मिला के एट अ टाइम दोनों को यूज़ करके ये ग्रुप जनरेट करेंगे। राइट साइक्लिक ग्रुप में ये क्राइटेरिया होता है कि अगर मैं 1 को सिंपल लेती हूँ तो एक वक्त में एक जनरेटर से पूरा ग्रुप मैं जनरेट कर पाऊँ। जैसे मैंने 1 लिया, तो इस 1 से देखिए मैं कैसे ग्रुप को जनरेट करूँगी, जस्ट 1 को यूज़ करूँगी, 3 को नहीं करूँगी। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ, 1 की क्लास लूँ, तो 1 + 1 जो होता है 2 आता है। देखें, दूसरा एलिमेंट मेरा आ गया। हाँ, अंडर एडिशन है तो हम ऐड करते जाते हैं, 1 + 1 + 1 करूँ तो ये 3 आ जाएगा, एंड देखें ये पूरे एलिमेंट्स आ गए, यहाँ से हमें 1 मिल गया। और अगर देन मैं इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊँ तो देखें मेरे पास आंसर 4 आएगा। देन हम अंडर मॉडुलो 4 है, तो 4 से डिवाइड जब करेंगे इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, 0 भी आ गया, हमारे पास 1 भी आ गया। हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे 1 आप यहाँ से नहीं ले सकते, तो इसको जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 5 आएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ से भी जनरेट हो सकता है। तो इट मीन्स देखिए, यहाँ से मुझे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल गए हैं जस्ट एक सिंगल 1 को यूज़ करके। अब सेम इसी तरह जब आप 3 को लेंगे, इसको ऐड करवाते जाएंगे, अंडर मॉडुलो 4 डिवाइड करके इसके रिमाइंडर लिखेंगे, तो जस्ट इस एक एलिमेंट 3 को यूज़ करके भी आप पूरे का पूरा जो ये ग्रुप है वो जनरेट कर पाते हैं। तो इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। अब 1, 3, अब देखें ऐसा हम करेंगे डाइहेड्रल ग्रुप्स के अंदर, तब ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये तो बात होगी अगर हमारे पास अंडर मॉडुलो एन कोई इंटीजर जी हमें गिवन हो तो उसके हम जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट कुछ भी नहीं करना, उसे को प्राइम नंबर्स लेने हैं, उसको चेक भी ना करें, ये अंडरस्टूड बात है, ये ऐसा थ्योरम हम पढ़ते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर कोई जी ग्रुप है उसका जो ऑर्डर आर है वो एन आर है।
अच्छा, अब उसमें से मैं कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेती हूँ ए, मैं कहती हूँ मेरा जनरेटर है, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 कहा था, वो जनरेटर कब बनेगा, जब वो इस ऑर्डर के साथ मतलब इस 4 के साथ वही ए जो है वो को प्राइम हो जाएगा, मतलब उसका जीसीडी 1 आ जाएगा। अब इसमें ए एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 भी आ रहा था, क्योंकि 3 और 4 का यहाँ से हमारे पास जीसीडी जो है वो 1 के इक्वल आ गया है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये तो होगी स्पेसिफिक एग्जांपल जस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए अंडर मोडुला एन। अब अगर इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? एक तो बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, उसमें थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होता है, कैसे कि आप उस ग्रुप में से फिनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है, अब फिनाइट साइक्लिक ग्रुप के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसमें 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन फिनाइट एन तक हो सकते हैं। तो उन एन एलिमेंट्स तक के हम कैसे जनरेटर फाइंड करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन जो होते हैं 4 की 1 होते हैं। अब सबसे पहला मेथड तो ये हो सकता है, आप उन चारों में से एक एक को देखें कि उससे पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो खैर नहीं होता, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हम एज एमसीक्यूज हम अपने पेपर के अंदर टाइम को सेव करना चाहते हैं। तो देखिए, उसका मेथड एक और है जो कि हमें एक थ्योरम गिवन है, वो ये बताता है कि अगर हमारे पास ग्रुप जो है उसका ऑर्डर एन आर है, मैं कहती हूँ मुझे जो ग्रुप उन्होंने दिया है उसका ऑर्डर जो है वो एन के इक्वल आर है। अब देखिए, इसको एग्जांपल से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहती हूँ कि आपको ग्रुप गिवन है जी, ये आपने पहले भी किया हुआ है, +1, -1, i एंड -i, वेल नोन एग्जांपल्स इसलिए मैं लेती हूँ। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि इसका जनरेटर क्या होगा, क्या इसका जनरेटर 1 है, इसका जनरेटर -1 है, इसका जनरेटर i है, या इसका जनरेटर -i है। अब इनफैक्ट ये हमें पता है दोनों है, तो मैं एक और ऑप्शन इसमें इंक्लूड कर देती हूँ, ई के अंदर आपके पास है बोथ, बोथ का ऑप्शन गिवन है, या चले बोथ का नहीं करते, आपको जस्ट इतना गिवन है, ये 3 ऑप्शंस गिवन है। केस में से आप जल्दी से बताएं इसका जनरेटर कौन सा होगा। अब कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट ये देखना है एज एमसीक्यूज, फॉर एग्जांपल आपको इसका जनरेटर नहीं पता फिलहाल, वो तो हमें पता है इजीली कि ये वाला होता है, हमने प्रीवियस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता तो आप इसको कैसे करेंगे? तो आपने सबसे पहले देखना है इसके ग्रुप के ऑर्डर को। तो इसका ग्रुप देखें, ऑर्डर क्या है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 4 आ गया। अच्छा, देन आपने क्या करना है, देन आपने हर एलिमेंट का ऑर्डर देखना है। देखिए, 1 का ऑर्डर, आप देखें यहाँ पे ऑर्डर की बात आ रही है, किसी ग्रुप का ऑर्डर कैसे बताते हैं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उस ग्रुप का ऑर्डर बन जाता है। और जो किसी एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो हम ऐसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखिए ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है, तो हम इस 1 को देखें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारा जो आंसर है 1। इनफैक्ट ये आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर हमें पता है, इसलिए आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, तो इसका ऑर्डर जो है 1 का एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट का, वो 1 आ रहा है। अच्छा, अब अगर सेम मैं ऑर्डर आपसे पूछूं -1 का, तो -1 को ऑर्डर यही कहता है ना कि कितने टाइम हम मल्टीप्लाई करवाएं कि हमें आइडेंटिटी आंसर मिले। तो देखिए, 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाने से हमें 1 मिल गया, तो इट मींस इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 आ गया। अब सेम आई का ऑर्डर बताना, अगर मैं बताना चाह रही हूँ तो आई को देखिए मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मुझे अगेन आंसर 1 मिल जाए, तो ऑब्वियसली बात है इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर ये वैल्यू -1 हो जाएगी, ये भी -1, तो आंसर 1 आ गया। तो इट मीन्स देखिए, मैंने इसको 4 टाइम, इसकी पावर मैंने 4 ली है, तो यही जो पावर आती है जो हमें आइडेंटिटी आंसर देती है वो इस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाता है। तो मीन्स आई का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। तो देखिए, यहाँ से ऑर्डर फाइंड करने के बाद आप देखेंगे जिस एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, देखें यहाँ पे ऑर्डर हमारा 4 था और यहाँ पे हमें आंसर 4 दे रहा है, तो इट मींस ये इस ग्रुप का जो होगा ये इसका जनरेटर हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे इस मेथड को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 या 40 सेकेंड्स लग जाएंगे उसका ऑर्डर फाइंड करते हुए, या इनफैक्ट अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप उसको देख के भी बता सकते हैं, बड़ा इजीली, उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, माइंड में उसको कर सकते हैं। जिस एलिमेंट का ऑर्डर जो है उस एलिमेंट से उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए, जिस एलिमेंट का ऑर्डर, तो उसको हम कहते हैं उसी एलिमेंट से हमारा पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो सकता है। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर कुछ और आपको ऑप्शन इस तरह से गिवन होते हैं कि डी ऑप्शन गिवन है, -i इसमें इंक्लूड हो रहा है,
तो अब देखें ये भी हम थ्योरम नेक्स्ट देखा है कि कोई भी अगर एलिमेंट है वो उससे ग्रुप पूरा जनरेट हो रहा है, जैसे कि आई था तो उसका जो इन्वर्स है हमेशा उससे भी हमारा ग्रुप जनरेट होगा, क्योंकि उसका भी हम देखते हैं कि ऑर्डर जो है वो फोर आता है। तो अब हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा, अब हमारा ऑप्शन अगर ई आपको गिवन है जिसके अंदर बोथ आ रहा है सी एंड डी, तो अब आप इसको टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि देखें आई जो है उसका ऑर्डर फोर है और माइनस आई का भी ऑर्डर फोर है। ये हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे कि आई का जो इन्वर्स है अंडर मल्टीप्लिकेशन आई का इन्वर्स माइनस आई होता है, तो इसलिए जो भी एलिमेंट हमारे ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं हमेशा हमेशा उसका जो इन्वर्स होता है वो भी उस ग्रुप को जनरेट करता है। ये हमारे पास थ्योरम है, इनफैक्ट प्रीवियस भी हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि अगर कोई एक ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है और वो जनरेटर है, जैसे कि आई बिलोंग कर रहा था जी में से, वो हमारा जनरेटर है, तो उसका इन्वर्स भी उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बग़ैर चेक के उसको बता सकते हैं कि जो उसका इन्वर्स होता है वो भी हमारे उस ग्रुप को जनरेट कर पाता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप उसके सबसे इजी मेथड जो है, इनफैक्ट जो टाइम शॉर्ट लगता है वो यही मेथड है। कोई भी सेट ऑफ इंटीजर के लिए बहुत ही इजी है, उसके कोप्राइम नंबर्स को देखें। बट अगर कोई इसके अलावा आपको ग्रुप गिवन है तो इस मेथड से आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात होगी जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, अगर कुछ आपको इस तरह का सेट दिया जाए कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमारे पास एक ग्रुप जी है, मैं कहती हूँ उसका जो ऑर्डर है आपके पास वो 300 आ रहा है, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन। देन आपसे पूछा जाए ऑप्शन आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है एंड डी गिवन है। अब इस सेट के अंदर आपको देखें एलिमेंट्स नहीं गिवन, जस्ट आपको ग्रुप का ऑर्डर बता दिया गया। आपसे पूछा गया है कि आप हमें बताएं कि इसके अंदर ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इसके अंदर बताएं कितने जनरेटर होंगे, इसके जनरेटर 5 होंगे, 10 होंगे, इस जो पूरे ग्रुप को जनरेटर, मैंने कहा था ना एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं, या इसका 2 जनरेटर हैं या 4 जनरेटर, तो आप कैसे करेंगे? तो देखें ये थोड़ा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, यहाँ हम नहीं कर सकते, इसके लिए हम इनफैक्ट यूज़ करते हैं एलर फंक्शन। तो सबसे पहले इनफैक्ट हम प्रीवियस देखेंगे कि एलर फंक्शन क्या होता है, फाई ऑफ एन से इसको डिनोट करते हैं, तो जो फाई ऑफ एन इस एलिमेंट का आएगा, इनफैक्ट जो इसका फाई ऑफ 300 आएगा, जो आंसर यहाँ पे आएगा वो हमारा नंबर ऑफ जनरेटर होगा। तो ये अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम एलर फंक्शन को पढ़ेंगे। देन उसके बाद इस तरह के एग्जांपल्स बहुत ही इजीली, आप जितना भी बड़े से बड़ा आपको ऑर्डर गिवन हो, यहाँ पे आपको इनफैक्ट 3600 गिवन हो या इससे भी बड़ा आपको नंबर गिवन हो, तो बहुत ही आसानी से आप एलर फंक्शन यूज़ करके उसके नंबर ऑफ जनरेटर बता पाएंगे। क्लियर होगी बात? तो टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा आप वेट करें, तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलर फंक्शन बताना ज़रूरी होगा, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है, ये तो हो गया फिनाइट साइक्लिक ग्रुप के हम जनरेटर्स कैसे बताएंगे, बहुत ईजीली बता पाते हैं। अब आता है कि अगर इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप आपको गिवन हो तो तब आप उसके जो जनरेटर्स हैं वो कैसे बताएंगे? तो इसमें तो फिनाइट से भी ज़्यादा आसान होता है इन्फिनिट के अंदर। कैसे? कि ये हमें पता है, ये बहुत ही अच्छा थ्योरम, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, कि उसके जस्ट ओनली 2 जनरेटर्स होते हैं, हैज़ ओनली 2 जनरेटर्स। यहाँ से तो मसला ही सॉल्व हो गया। सबसे पहले अगर हम इसका एक जनरेटर फाइंड कर पाते हैं तो जस्ट दूसरा जनरेटर हमें क्या पता है, ये थ्योरम अब इस पर भी अप्लाई होता है, ये लास्ट वाला, कि अगर कोई एलिमेंट मैं ए लेती हूँ इस ग्रुप में से जो कि हमारा इन्फिनिट ग्रुप है, तो उसका जो इन्वर्स बिलोंग कर रहा है जी में से वो भी उसका जनरेटर होगा। अगर ए इस ग्रुप को जनरेट कर रहा है तो इट मींस ए इन्वर्स भी हमारे इस ग्रुप को जनरेट करेगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, ऑप्शन के अंदर कोई भी आपको गिवन हो तो उससे आप देखेंगे पूरा जनरेट, अगर ग्रुप हमारा जनरेट हो रहा है तो उसका इन्वर्स भी जनरेट करेगा। अब देखिए सिंपल इसके हम एग्जांपल लेते हैं। इनफैक्ट इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं इन्फिनिट ग्रुप्स के अंदर के, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा उसको जनरेट कर। अगर मैं यहाँ से सेट ऑफ इंटीजर्स ले लूँ जिसमें एलिमेंट्स पड़े होते हैं, यहाँ पे ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स पड़े होते हैं सेट ऑफ इंटीजर के अंदर, हमें पता है। तो हमें पता है कि ये अंडर एडिशन जो है ये ग्रुप बनाता है और ये साइक्लिक ग्रुप भी बनाता है। सेट ऑफ इंटीजर लिख लेते हैं, अंडर एडिशन जो है ये हमारा साइक्लिक ग्रुप बनाता है। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर एक एलिमेंट अगर मैं 1 ले लूँ तो पूरे का पूरा ग्रुप 1, इसकी आइडेंटिटी आ रही है, पूरे का पूरा ग्रुप जो है इसे हमारा जनरेट हो जाएगा।
कैसे कि अब देखें वन के अंदर मैं अगर वन को ऐड करती जाऊं, सबसे पहले तो ये वन है, वन के अंदर वन को ऐड करती जाऊं तो सबसे पहले तो वन से हमें वन ही मिलेगा, तो ये टू हो जाएगा। और अगर मैं इसको थ्री टाइम मल्टीप्लाई करवाऊं तो सॉरी ऐड करवाऊं तो ये हमारे पास थ्री मिल जाएगा। अब सेम इसमें हम नेगेटिव का ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं वन के अंदर माइनस वन कर दूँ तो मुझे आंसर ज़ीरो मिलेगा। अब सेम वन के अंदर मैं माइनस वन इसको कर दूँ तो यहाँ से हमें देखिए आंसर ये कट हो गया तो माइनस वन मिलेगा। सेम वन के अंदर ऐसे करती जाऊँ तो नेगेटिव नंबर्स भी मिल जाएंगे। तो इट मीन्स इसका जनरेटर जो है वन भी है और माइनस वन भी है। क्लियर होगी बात? तो चलें आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एलर फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।